Today we are going to learn about the respiratory system. Respiratory system means a system which is grouped by lungs, windpipe, nose, etc. In Hindi, respiratory system means Swasan Tantra. और ये श्वसन तंत्र हमारे नोज, लंग्स और विंड पाइप इन सभी से मिल करके बने होते हैं. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नोज, लंग्स एंड विंड पाइप. सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प in the exchange of gases between body and the environment. In this exchange, oxygen from the air is taken in and carbon dioxide is given out. Respiratory system हमारे body में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, हम जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और बॉडी से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसी काम में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है. सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स: नोज, नोज पासेस, विंड पाइप, ब्रॉन्ची, a pair of lungs, diaphragm, etc. So, first, a study about nose or nose strail. When we breathe in, air is drawn into our nose strail. The nostril and the nose passages are lined internally with very fine hairs and sticky substance called mucus. These hairs and mucus filter the air entering our nose and help to stop the entry of dust particles, dirt and germs into the lungs. The passage of nose helps in warming the air before it enter the lungs. जब हम सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, तो हमारे नोज में बहुत पतले, very fine hairs, बहुत पतले बाल होते हैं, and sticky substance, और एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, sticky चिपचिपा सा पदार्थ होता है. ये बहुत जरूरी है हमारे नोज में, क्योंकि जब हम एयर को अंदर ले जाते हैं, सांस जब हम अंदर की तरफ लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और कुछ जम्स भी होते हैं. सो ये फाइन हेयर्स, जो पतले पतले बाल होते हैं, ये उन डस्ट पार्टिकल्स को हमारे लंग्स में जाने से रोकता है, और ये स्टिकी सब्सटेंस उन डस्ट पार्टिकल को अपने में स्टिक कर लेते हैं, अपने में चिपका लेते हैं, ताकि वो लंग्स में अंदर ना जाए, और इससे हमें प्योर एयर अंदर की तरफ जाने देता है. सो second component of respiratory system is windpipe or trachea. Trachea means swas nali. So windpipe is the main tube connecting nose mouth to lungs. As you can see in this picture, this is the trachea, that means windpipe, and this is connected by one end with mouth and the second end with the lungs.
So, windpipe is the main tube connecting nose mouth to lungs. Breathing in of oxygenated air is called inhalation. जब हम एयर को अंदर ले जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जब हम एयर को अंदर की तरफ ले जाते हैं, अपने लंग्स में ले जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम इनहेलेशन कहते हैं. इनहेलेशन मीन्स अंतःश्वसन. इन हिंदी यू कैन से अंतःश्वसन, यानी कि अंदर की तरफ सांस ले जाना. द इनहेल्ड एयर नाउ पासेस इनटू द विंड पाइप और ट्रेसिया एंड देन टू लंग्स थ्रू टू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रांची. इच ब्रांचेस इंटर्स द लंग्स. जब हम अंदर की तरफ सांस को ले जाते हैं तो ये सबसे पहले विंड पाइप से होकर के गुजरता है, विंड पाइप से, और फिर ये लंग्स में जाता है. हियर दिस इज द ब्रांची. ब्रांची इज अ स्मॉलर ट्यूब विच इज कनेक्टेड विथ द ट्रेसिया, दैट मीन्स विंड पाइप एंड लंग्स. ये ब्रांची एक पतला और स्मॉलर छोटा सा पाइप होता है जिसका एक एंड विंड पाइप से और दूसरा एंड दोनों लंग्स से जुड़े हुए होते हैं. दिस इज द ब्रांची. नाउ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लंग्स. द लंग्स आर टू स्पॉन्ज लाइक सैक्स विच फिल मोस्ट ऑफ आवर चेस्ट कैविटी. लंग्स ये एक पेयर में होते हैं, यानी कि इनकी संख्या दो होती है, और ये स्पॉन्ज लाइक सैक होते हैं. आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द पेयर ऑफ लंग्स, दैट मीन्स वन एंड टू. नंबर ऑफ लंग्स आर टू. सो ये स्पॉन्ज लाइक सैक होते हैं. सैक मीन्स थैला. ये एक थैले के जैसा होता है और ये स्पॉन्ज होता है, मीन्स ये बहुत ही मुलायम होता है. ये फैलता है और सिकुड़ता है. जब हम सांस को अंदर की तरफ ले जाते हैं और ये एयर जब अंदर जाता है तो ये लंग्स में जाने के बाद लंग्स में फैल जाता है. फिर जब हम ब्रेथ आउट करते हैं, जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, तो फिर ये सिकुड़ जाता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है लंग्स. सो इट इज कॉल्ड स्पॉन्ज लाइक सैक विच फिल मोस्ट ऑफ आवर चेस्ट कैविटी. देयर आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स इन द लंग्स कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. आप फिगर में देख सकते हैं, इस लंग्स में बहुत पतले पतले से ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज कहलाते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज एट द बॉटम. ये नीचे की तरफ रिब केज से घिरे होते हैं. एट द बॉटम देयर इज अ डोम शेप्ड शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड द डायफ्राम. ये जो आप देख रहे हैं डोम शेप्ड, डोम मीन्स गुंबद के आकार का, गुंबद मीन्स लाइक दिस, ऐसे अंदर खाली और ऊपर से ये भरा हुआ, इस शेप का एक ये मसल्स होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं. ये डायफ्राम इसको सपोर्ट देता है, और जब हम सांस अंदर की तरफ ले जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो फिर ये इसके शेप को चेंज होने में हेल्प करता है. सो व्हेन वी ब्रेथ इन, दैट मीन्स इनहेलेशन, आवर रिब्स मूव आउटवर्ड्स एंड आवर डायफ्राम फ्लैटनेस. एज अ रिजल्ट द चेस्ट कैविटी गेट्स लार्जर एंड एयर इज सक्ड
into the lungs. The opposite happens when we breathe out, that means exhalation. Our rib move inward and our diaphragm becomes the dome shape, making the chest cavity smaller. Air is thus forced out as the space inside the lungs is reduced. जब हम सांस को बाहर निकालते हैं और जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तो ये लंग्स फैलता है और सिकुड़ता है. जब हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब ये लंग्स सिकुड़ता है और जब हम सांस अंदर की तरफ ले जाते हैं तो ये फैल जाता है. नाउ वी ब्रेथ कंटिन्यूसली और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है. व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन इन द इनहेल एयर मिक्स्ड विद द ब्लड इन द लंग्स. जब हम अंदर की तरफ सांस ले जाते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जो एयर में होता है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है लंग्स के माध्यम से. एट द सेम टाइम और उसी समय द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड कम्स इन टू द लंग्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे लंग्स में आ जाता है. व्हेन वी एक्सेल और जब हम सांस छोड़ते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड इन द लंग्स लीव द बॉडी विद द एक्सेलेटेड एयर. और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स में जमा होता है वो फिर बाहर निकल जाता है. द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन द ब्लड इज टेकन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. और ऑक्सीजन जो हमने सांस के थ्रू अंदर ले गया वो फिर अब जाकर के सारे सेल तक पहुंच जाता है, बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है और वहां पर वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होने लगता है. रेस्पिरेशन मतलब जो फूड हम खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करना शुरू करता है और फूड डाइजेस्ट होकर के हमें एनर्जी देते हैं. सो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड इज टेकन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड. नॉट द एयर वी ब्रेथ इन इज फ्रेश एंड प्योर, इट हैज मोर ऑक्सीजन इन इट. द एयर वी ब्रेथ आउट इज नॉट फ्रेश, इट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड जर्म्स. जो एयर हम ब्रेथ इन करते हैं, अंदर की तरफ सांस ले जाते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश होता है और प्योर होता है, मतलब कि शुद्ध होता है. इट हैज मोर ऑक्सीजन इन इट, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है. द एयर वी ब्रेथ आउट इज नॉट फ्रेश, लेकिन जब हम जो एयर बाहर की तरफ छोड़ते हैं यानी जब बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है और इसलिए वो फ्रेश नहीं होता है. सो ब्रीथिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो वी मस्ट ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ. दिस इज द गुड हैबिट फॉर ब्रीथिंग. वी मस्ट ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ. हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए. बहुत लोग होते हैं ना मुंह से भी सांस लेने लगते. दिस इज द बैड हैबिट. ऑलवेज ट्राई टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर. हमें हमेशा सांस शुद्ध हवा जहां पर होती है वहीं लेना चाहिए. कीप
The windows of the room opened to let in fresh air. Do not cover your face while sleeping. Have some physical exercise daily. हमें रोजाना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ व्यायाम करना चाहिए. और जब हम सो रहे होते हैं तो हमें अपने चेहरे को नहीं ढकना चाहिए. और अपने घर के जो खिड़कियां होती हैं उन्हें सुबह और शाम में ज़रूर खोलना चाहिए ताकि जो फ्रेश एयर है वो हमारे रूम में एंटर कर सके. सो दीज आर द गुड हैबिट्स फॉर ब्रीथिंग. नाउ सम टिप्स फॉर द डीप ब्रीथिंग. फर्स्ट, सीट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन विथ वन हैंड ऑन योर चेस्ट एंड वन ऑन योर बेली. रिलैक्स योर शोल्डर्स. नंबर थर्ड, एक्सहेल कंप्लीटली थ्रू योर माउथ मेकिंग नो साउंड, कॉन्ट्रैक्टिंग योर बेली एज यू डू सो. हमें गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए ताकि हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके. और आप ऐसा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप किसी साफ सुथरे स्थान पर रिलैक्स होकर के कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के. और आप अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स मोड में रखें आराम से. और फिर अपने नोज के माध्यम से अंदर से सांस को बाहर की तरफ छोड़ें और फिर नोज से ही अंदर की तरफ सांस को लें. ये प्रोसेस हमेशा कम से कम 7 to 8 टाइम्स करने चाहिए. इससे क्या होगा, हमारे ब्रीथिंग में इम्प्रूवमेंट होगा और हमारे बॉडी भी स्ट्रांग होंगे. सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल देयर नेम ऑफ पार्ट्स. दिस इज योर होमवर्क. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल study about the air pollution. So for today this is enough. Thank you.